बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ द लर्नर्स, प्लीज़ ओपन योर बुक्स, इंग्लिश एक्टिविटी बुक पेज नंबर 56। स्टूडेंट्स, वी आर लर्न अबाउट हेल्पिंग वर्ड्स इज और एम। मैंने आपको बताया था एम का इस्तेमाल कहाँ आएगा, आई के साथ। कहाँ आएगा? आई के साथ, आई एम। अली डैश अ गुड बॉय। अली वन पर्सन, अली डैश अ गुड बॉय। वन पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ किसका यूज होगा, इज का यूज। अली इज अ गुड बॉय, अली इज अ गुड बॉय। द कैमल डैश ब्राउन, द कैमल। एक ऊंट की बात की जा रही है, द कैमल इज ब्राउन, द कैमल इज ब्राउन। आई डैश अ मुस्लिम, आई के साथ किसका यूज आएगा, एम का। आई एम अ मुस्लिम। आई डैश हैप्पी, आई एम हैप्पी। आई डैश हैप्पी, आई एम हैप्पी। आई एम अ मुस्लिम, आई एम हैप्पी। ओके स्टूडेंट, सारा एंड इकरा डैश प्लेइंग। सारा एंड इकरा टू पर्सन्स हैं। प्रूलर, यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है, जब दो एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात होगी देन हम क्या लगाएंगे, आर। इकरा, सारा एंड इकरा आर प्लेइंग, सारा एंड इकरा आर प्लेइंग। आई डैश ईटिंग कोकोनट्स, आई, आई के साथ एम लगेगा। आई एम ईटिंग कोकोनट्स। आयशा डैश ईटिंग मैंगोज, आयशा डैश ईटिंग मैंगोज। आयशा वन पर्सन है, वन पर्सन के साथ इज़ लगेगा, आयशा इज़ ईटिंग मैंगोज। हनी डैश स्वीट, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट। लीव्स डैश ग्रीन, लीव्स डैश लीव्स ज़्यादा पत्ते, लीव्स आर ग्रीन, लीव्स आर ग्रीन। द फिग डैश स्वीट, द फिग इज स्वीट। फिग वन थिंक है, इज लगेगा, वन थिंक के साथ क्या लगेगा, इज। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने हेल्पिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट इंग्लिश फॉर बिगनर्स बुक खोलें, पेज नंबर 37। रीड एंड राइट टू लेटर वर्ड्स। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 37 पे टू लेटर वर्ड्स हैं, आपने इनको रीड करना है और राइट करना है। गो एट मी वी, इस तरह स्टूडेंट्स ये टू लेटर वर्ड्स हैं, आपने इनको अच्छे से रीड करके और अच्छे से लिखना। पेज नंबर 38 पे भी टू लेटर वर्ड हैं, इनको आपने अच्छे से लिखना है, बहुत इजी है ये, आप लोगों ने खुद करना है, अच्छे से आप लोगों ने स्टूडेंट्स करना है। अल्लाह हाफिज़।